नमस्कार, यलवन कोचिंग वाराणसी के डायरेक्टर भदोही जनपद के मूल निवासी डॉक्टर अरुण तिवारी जी हमारे साथ हैं। सीतामढ़ी क्षेत्र के आप मूल निवासी हैं और भदोही के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रयोग और नित नए कार्य करते रहे हैं। देखा जाए तो भदोही जो गलीचों के शहर के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो पहल डॉक्टर अरुण तिवारी ने किया है, मेरे लिहाज से जनपद सृजन के बाद से आज तक इतनी बड़ी पहल मेरी जानकारी में कभी पहले नहीं आई थी। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण तिवारी से और जानेंगे कि भदोही के लिए क्या करने जा रहे हैं डॉक्टर अरुण तिवारी। सर, भदोही मूल निवास है आपका, भदोही गृह क्षेत्र रहा है, भदोही के लिए लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आप सोचते रहते हैं, हम सभी से बातें करते रहते हैं और प्रयोग करके भदोही के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसा लाइफ में मैंने फर्स्ट व्यक्ति के रूप में आपको देखा, इस बार क्या करने जा रहे हैं सर? जैसा कि हर साल हम लोग करते आए हैं, हालांकि बीच में कोविड आ जाने की वजह से यह सिलसिला कुछ साल के लिए, एक दो साल यह प्रोग्राम नहीं हो पाया था। भदोही में अभी हम लोग एक एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, यलवन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LTSC बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो भी अच्छे स्कूल हैं या UP बोर्ड स्कूल हों, चाहे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, सभी बोर्ड के स्कूल में हम लोग एक एग्ज़ाम कराएंगे, जिसमें 10th और 12th के जो बच्चे, साइंस के बच्चे होंगे, जो स्ट्रीम मैथ और बायो की स्ट्रीम के बच्चे होंगे, उनका हम एक एग्ज़ाम लेंगे उनके स्कूल प्रांगण में ही, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और उसमें बच्चे का जैसा प्रतिभा होगा या जैसा उनका रिजल्ट होगा, उसके बेसिस पर हम लोग स्कॉलरशिप उनको देंगे, उनके स्कूल प्रांगण में पुरस्कृत किया जाएगा। और स्कूल के प्रांगण में ही जब उनको रिजल्ट बताया जाएगा, तो उस दौरान उनको एक डमी चेक दिया जाएगा, और वह चेक जो होगा वह कुछ अमाउंट का होगा, वो मैक्सिमम 40,000 तक का स्कॉलरशिप रहता है, जो बच्चों के एग्ज़ाम के ही बेसिस पर उनको दिया जाता है रिवार्ड के रूप में। और ये हर साल हम लोग कराते हैं, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा ये बाधित हुआ था, तो इस बार हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका श्री गणेश हम अपने डिस्ट्रिक्ट भदोही से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं LTSC एग्ज़ाम। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो आगे कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन में, तो उनके, क्योंकि सिलेबस तो उनका 10th के बच्चों का 10th का सिलेबस होगा, 12th के जो बच्चे होंगे 12th का सिलेबस होगा, और उसी सिलेबस के ही बेसिस पर उनका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में होता है, और क्योंकि हमारा एक होम डिस्ट्रिक्ट भदोही रहा है, तो हमारा एक अलग से इंटरेस्ट रहता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। भदोही आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहा है, लगातार भदोही के बारे में आप सोचते भी रहे हैं, करते भी रहते हैं। सुपर 40, इसके पहले भी भदोही के लिए आपकी ये स्कीम थी, जैसा कि कोविड को आपने बताया, तो आगे के लिए सुपर 40 का क्या रहेगा और इसमें है क्या, क्या होता है सुपर 40? हाँ बिल्कुल, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। LTSC जो एग्जाम होता है, यह तो हर स्कूल में कराया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता, तो इसलिए सारे बच्चे इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा एक एग्ज़ाम हम लोग कराते हैं सुपर 40 जो एग्ज़ाम होता है, वो इस पोस्टर के माध्यम से मैं बता सकता हूँ। इसमें फ्री रहता है, जो कि कोचिंग का पूरी फीस फ्री होती है, लॉजिंग फ्री होता है, मतलब हॉस्टल का कोई पेमेंट नहीं लेना होता, फूडिंग फ्री होता है, मतलब फ्री कोचिंग, लॉजिंग, फूडिंग तीनों फ्री होगा। और ऐसे हम 40 बच्चों को, 40 बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए इस एग्ज़ाम का नाम सुपर 40 है, जो कि इस साल 2 डेट को हम लोग इसको कर रहे हैं, 5 नवंबर को और 3 दिसंबर को। यह आपके विलिंगनेस पर होगा, जो बच्चा इसमें अपीयर होना चाहेगा वो बच्चों को फॉर्म फिलअप करना होगा और उसकी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। इसमें सारे बच्चे, क्लास 8th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th अपीयरिंग वाले बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। सुपर 40 का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इन 40 बच्चों के लिए सब कुछ फ्री होगा, लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग की फीस सब कुछ फ्री होगा। तो और इन 40 बच्चों का जो सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन तो ज़्यादातर बच्चों को हम लोग कराते ही हैं, ज़्यादातर बच्चों को कोशिश कराया जाता है, बहुत
मीडियोकर बच्चे यूपी बोर्ड के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं L1 में, लेकिन ये जो 40 बच्चे होते हैं इनको कोशिश हमारी रहती है कि इन 40 बच्चों को हम एक अच्छा रैंक दे सकें। ऑल इंडिया में उनकी पहली रैंक आए, दूसरी रैंक आए, जैसे कि हमारे दीपक साहू का आया था अभी 2 साल पहले, आपने देखा था कि 720 में 715 नंबर लाकर OBC में पहला रैंक और जनरल कैटेगरी में 5वीं रैंक लाया था नीट में। तो ऐसे बच्चे हम चाहते हैं कि सुपर 40 के 40-40 बच्चे ऐसा रैंक लाएं। सिलेक्शन तो सबका होना है, सबको सिलेक्शन कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन रैंक लाने के लिए इन 40 बच्चों का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कुछ पेमेंट नहीं लगना है, सब कुछ आपका फ्री होना है। बनारस में आप रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, लॉजिंग फूडिंग कोचिंग की फ़ीस सब कुछ फ्री होगा। तो 40 बच्चों का जो सुपर 40 एग्ज़ाम होता है, 40 बच्चों का एक बैच बनता है, इस एग्ज़ाम का जो डेट है 5 नवंबर और 3 दिसंबर को है। लेकिन 5 नवंबर के पहले यह जो हमने अभी आपको बताया LTS एग्ज़ाम होगा, L1 टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यह एग्ज़ाम 10th और 12th के बच्चे ही देते हैं और ये सभी स्कूलों में कराया जाएगा जहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल हमें अलाउ करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ L1 के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण तिवारी, जिन्होंने हमसे हर मसले पर बात किया है, चाहे वो बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए L1 LTSC का जो एग्ज़ाम कराता था, कोविड के चलते प्रभावित हुआ था, उसे शुरू करने जा रहा है L1, और L1 फिर दस्तक दे रहा है भदोही में। LTSC एग्ज़ाम के जरिए चयनित करेगा, सर्च करेगा, खोज करेगा ऐसे टैलेंटेड बच्चों का जो वाकई में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के काबिल हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाएं धूमिल हो रही है, उनकी प्रतिभाएं दबी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में। साथ ही सुपर 40 के बारे में भी निर्णय लिया है L1 के डायरेक्टर ने, और 40 बच्चों को मुफ्त की शिक्षा L1 देने जा रहा है सुपर 40 एग्जाम के जरिए। सुपर 40 का ये एग्जाम निश्चित है कि भदोही जनपद के 40 बच्चों को निःशुल्क डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।